राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से जमानत सजा खारिज करने की मांग वाली याचिका पर 13 अप्रैल को होगी सुनवाई। राहत मिलते ही राहुल गांधी ने फिर दोहराया खतरे में है लोकतंत्र का, हम इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है। राहुल के समर्थन में बोली प्रियंका गांधी, का सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरत कोर्ट के बाहर दिखाई दी कांग्रेस एकता, प्रियंका के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के सीएम भी साथ थे। सूरत में कांग्रेसी एकता पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का तंज, क्या कोर्ट पर दबाव बनाने गए थे या जांच एजेंसियों को धमकाने। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस की नई परंपरा और दरबारी संस्कृति दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। बीजेपी के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। करप्शन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश, सीबीआई से बोले, कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, जिन पर एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं। सीबीआई का नाम इंसाफ का ब्रांड, एजेंसी के डायमंड जुबली समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा अपने काम पर फोकस रखें। रामनवमी पर हिंसा पर को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, का साजिश के तहत शोभा यात्रा पर हुआ हमला। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका में हिंसा में घायल राम भक्तों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी का ममता परिवार, दिलीप घोष ने कहा 10 साल पहले के कश्मीर जैसे हालात बन रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले, बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाने में लगी है सीएम ममता, रोहिंग्या और अलगाववादियों के लिए बिछाया रेड कार्पेट। ममता का बीजेपी पर पलटवार, बीजेपी को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया, का बिना परमिशन अल्पसंख्यक इलाकों में जुलूस निकाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को हुगली में हिंसा प्रभावित इलाके में जाने से रोका गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। सुकांता मजुमदार ने अपना धरना खत्म किया, कहा कल फिर श्रीरामपुर के बरतला में धरने पर बैठूंगा। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वाले लोगों को पुलिस ने छोड़ा। सिलीगुड़ी के कावाखाली में संदिग्ध देसी बम मिला, बम निरोधक दस्ते ने बम को अपने कब्जे में ले लिया। सासाराम और नालंदा दंगे को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा, दंगाइयों को बचाना बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के नारे लगाए गए। बिहार के सासाराम में दंगे के 43 आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 3 केस दर्ज किए गए। सासाराम में हिंसा के बाद आरएएफ और पुलिस का फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था कायम करने में जुटे सुरक्षाकर्मी। हिंसा के बाद नालंदा में सुधर रहे हालात, प्रशासन पुलिस का इलाके में कड़ा पहरा है। नालंदा हिंसा में 130 उपद्रवी गिरफ्तार, सबूतों के आधार पर हो रही कार्रवाई, डीएम शिव कुमार का बयान। बिहार शरीफ के नालंदा में हुई हिंसा के बाद एफएसएल की टीम अजीजिया मदरसा पहुंची, मौके से सबूत इकट्ठा किए गए। झारखंड के साहिबगंज में 2 गुटों में झड़प के बाद भारी तनाव, पुलिस बल की तैनाती, मूर्ति विसर्जन को लेकर हुआ था हंगामा। दंगे के लिए मौलाना महमूद मदनी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा पिछले अनुभवों की अनदेखी से दंगे हुए। संभाजीनगर हिंसा के मामले में आरोपी कोर्ट में पेश, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र ने कहा आरोपियों को देंगे कानूनी मदद। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, कर्नाटक विधानसभा को लेकर चर्चा हुई। कर्नाटक चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में घमासान, बेंगलुरु में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सर्वे रिपोर्ट में जो अच्छा होगा उसे मिलेगा टिकट, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद का बयान। कर्नाटक में जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम का दावा, अब बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, वेंटिलेटर पर है पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के अलग अलग मुद्दों पर हुई बातचीत। पटना के फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ बीएड कॉलेज की इफ्तार पार्टी, सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, आदि कैलाश और चारधाम यात्रा में आने का न्योता दिया। दिल्ली में सेंट्रल एशिया कल्चरल मिनिस्टर्स की पहली बैठक, जी किशन रेड्डी बोले काम करने के विषय पर अलग अलग सुझाव दिए। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, रेल यात्रा में बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत फिर से शुरू करने की मांग की। अंडर ट्रायल मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने की अभी कोई तैयारी नहीं, कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान। भारत अमेरिका के बीच हो सकती है हथियारों की बड़ी डील, भारतीय नौसेना के लिए $300 मिलियन की डील पर मुहर लग सकती है। गोवंश को लेकर सीएम योगी का आदेश, गोवंश के भरण पोषण का प्रबंध होगा, गोपालकों और गौशालाओं को हर महीने दिए जाएंगे पैसे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले भूटान के प्रिंस, दोनों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। पिछले 5 सालों में ईडी ने 374 लोगों को गिरफ्तार किया, वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी, न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई। केरल के सीएम पी विजयन के खिलाफ आपदा राहत कोष मामला, लोकायुक्त की बड़ी पीठ 12 अप्रैल को सुनवाई करेगी। उमेश हत्याकांड में अतीक के जीजा अखलाक अहमद पर शिकंजा, प्रयागराज कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। माफिया अतीक अहमद की पत्नी की अग्रिम जमानत पर 6 अप्रैल को होगी सुनवाई, शाइस्ता पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। यासीन भटकल समेत 11 पर देशद्रोह के केस में आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ न्यूक्लियर प्लानिंग के सबूत मांगे। अमृता फडणवीस धमकी मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी अनिल जयसिंघानी की याचिका खारिज की। पंजाब के 4 जिलों में लगी सीएम की योगशाला, सीएम मान का ऐलान, ये हमारी विरासत का हिस्सा है। पणजी में नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कैंपस का
सीएम प्रमोद सावंत ने निरीक्षण किया, चल रहे प्रोजेक्ट की तैयारी की समीक्षा की। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से नहीं मिले नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। इंदौर में बिलेश्वर झूलेलाल मंदिर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, मंदिर में बावड़ी गिरने से हुई थी 36 लोगों की मौत। केरल के एलाथूर में चलती ट्रेन में एक यात्री पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, हादसे में 3 की मौत हो गई। हादसे को लेकर रेल मंत्री ने केरल के सीएम से बातचीत की है, कहा आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। झारखंड के चतरा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़, 5 इनामी नक्सली ढेर हो गए। कर्नाटक डीजीपी से मिले कांग्रेस कार्यकर्ता, मवेशी व्यापारी इदरीस पाशा की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। तमिलनाडु के शिवगंगा में बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, कई घायल हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में किताब के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हिमाचल के धर्मशाला में एक रूसी नागरिक की मौत हो गई, डॉक्टरों ने ज्यादा शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 850 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया। सीतापुर पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 नाइजीरियन को पकड़ा, घटना में इस्तेमाल बाइबल, कार और गोल्ड ज्वेलरी बरामद कर ली। राजस्थान के उदयपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई, देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। चंदौली में लड़की पर धारदार हथियार से हमला किया गया, विवाद को लेकर हमले का आरोप है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय में सीआईएसएफ जवान का शव संदिग्ध हालत में मिला, जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के सामने कुछ लड़कों में मारपीट हो गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, श्रीलंका से आए यात्री से करीब 36 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया। सात्विक फाउंडेशन ने बच्ची का अंग दान करने वाले सुखबीर सिंह संधू और सुप्रीत कौर संधू सम्मानित किए गए, सांसद मनोज तिवारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सुखबीर और सुप्रीत संधू ने अपनी 39 दिन की बच्ची का अंगदान किया था, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तारीफ भी की थी। ग्रेटर नोएडा में एटीएम मशीन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। चेन्नई कला क्षेत्र यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी प्रोफेसर कोर्ट में पेश, 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फर्जी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने का मामला, पुलिस ने रिम्स कर्मी समेत 2 को गिरफ्तार किया है। वहीं अंबाला में 4 साल की बच्ची पर पिटबुल डॉग का अटैक, बच्ची बुरी तरह जख्मी है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कुल्लू में अटल टनल के पास बर्फबारी, रोहतांग पास के पास भी भारी बर्फबारी की खबर। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कैब ड्राइवर को पीटा, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के हरिनगर में पुलिस की पीसीआर वैन में आग लग गई, पेट्रोलिंग के दौरान हुआ हादसा। गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग, पूरी बायोलॉजी लैब जलकर खाक हो गई। शिमला में मौसम विभाग अलर्ट, अगले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। हैदराबाद में एसएससी बोर्ड ऑफिस के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन, पेपर लीक मामले को लेकर विरोध जताया। देश में एक दिन में कोविड के 3,641 नए मरीज मिले, एक्टिव केस 20,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 248 नए केस मिले, एक्टिव केसों की संख्या 3,532। सरकार की कोविड के बढ़ते मामलों पर नजर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। हरियाणा में कोरोना के 724 एक्टिव केस, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज बोले कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। सीरम इंस्टीट्यूट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को खत लिखा, कोवैक्स को कोविन पर वयस्कों के लिए बूस्टर के खुराक के रूप में शामिल करने की मांग की है। वहीं देश में दवाइयों के महंगा होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई, कहा दवाओं के दाम बढ़े नहीं है, 16% घटे हैं। दवा महंगे होने पर कांग्रेस के ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, दाम बढ़ाने की इजाजत के बावजूद फार्मा कंपनियां पूरा रेट नहीं बढ़ाती। पश्चिम से सटी बेलारूस सीमा पर परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस, बेलारूस में रूसी राजदूत बोरिस ग्रीजलोव का बयान। रूस से तेल खरीद रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के मंत्री ने कहा अगले महीने पाकिस्तान पहुंचेगी तेल की पहली खेप। नेटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग ने ऐलान किया मंगलवार को आधिकारिक तौर पर नेटो में शामिल होगा फिनलैंड, मंगलवार को सरेंडर कर सकते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप टावर को घेरा, बैरिकेडिंग और जवानों की तैनाती। पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 मापी गई। अमेरिका में तूफान से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई। US डॉलर के मुकाबले 12 पैसे गिरा रुपए का भाव, $1 कीमत 82.33। शेयर मार्केट में मामूली बढ़त, सेंसेक्स में 115 और निफ्टी में 38 अंकों की उछाल। वित्त वर्ष 23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 17.6% का इजाफा, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। पीएम मोदी ने MACC के लिए नीता अमानी को बधाई दी, 31 मार्च को हुआ था सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन। तिरुमला बालाजी मंदिर में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने की पूजा, बहन खुशी कपूर भी साथ रही मौजूद। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म भोला का कमाल, 44 करोड़ से ज्यादा की कमाई अब तक कर चुकी है फिल्म। अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगी डायना पेंटी, कोर्ट रूम ड्रामा सेक्शन 84 में साथ नजर आएंगी। वहीं बॉलीवुड में साइड लाइन करने पर बोली प्रियंका चोपड़ा, कहा जो हुआ वो गलत हुआ, अब मैं उस दौर से आगे निकल गई हूं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।